So good morning friends, welcome to PT Classes. Today an important session for those who are preparing for IB Security Assistant Interview. और आज के session के अंदर हम बहुत से नए questions पूछने वाले हैं जो hope आपको बहुत benefit देंगे और अपने दोनों channels PT Classes और Intro Guide पर आप abundance of videos regarding spoken English, personality development, body language, even IB related videos भी आप हमारे दोनों channels पर देख सकते हैं। खुशप्रीत सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। खुशप्रीत सबसे पहले मैं चाहूंगा आप हमें आईबी के बारे में कुछ बताएं, उसके बाद मैं आपसे आईबी रिलेटेड सिक्योरिटी एजेंट रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, ओके, इवन द वर्क प्रोफाइल और वो भी बहुत से क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, और लास्ट अपने स्टूडेंट्स को एक टिप दूंगा जो उनके इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली है। चलिए मुझे आप आईबी के बारे में बताना शुरू कीजिए। सर आईबी मीन्स इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी इज गवर्नड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आईबी इज डायरेक्टर इज मिस्टर तपन कुमार डेबका and IB's headquarters is in New Delhi. Okay. In fact, it is the oldest agency in the world. And ये बहुत ही मतलब खुफिया एजेंसी है जो कि इंटरनल अफेयर्स के लिए काम करती है। जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें एक अगर कोई भी हलचल होती है तो सारा काम वो IB के द्वारा ही देखा जाता है। Okay. इनकी responsibilities क्या क्या? हाँ, आईबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस, वीआईपी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग इन बॉर्डर एरियाज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एंड एंटी सेक्शन एक्टिविटीज। एंड इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है आईबी की, जैसे कि जो पाकिस्तान के साथ हमारे 3 युद्ध हुए थे उनमें से 3 बार पाकिस्तान से हमने विजय प्राप्त की थी, उसका सारा क्रेडिट आईबी को जाता है क्योंकि आईबी वालों ने पहले ही खतरे का सारा पता लगा लिया था। हाँ जी, और जो आईबी है वो उसका मेन फोकस है इंटेलिजेंस गैदरिंग पे जाता है और जो थ्रेट्स हैं हमारे विद इन द कंट्री वो उन पे उनका मेन फोकस रहता है। और आईबी हमारा जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट है उस पर मेन फोकस उसका होता है, वो उसको मॉनिटर करता है। और जो आईबी के ऑफिसर्स हैं उनको जो फेमस अपनी जो इफेक्टिव एजेंसी है रूस की रशियन की केजीबी उनके द्वारा उनको ट्रेन किया जाता था। चलिए इसका मोटो बताइए मुझे, आईबी का मोटो क्या है? आईबी का मोटो ऑलवेज अलर्ट है। चलिए अब आप हमें ये बताइए कि एक सिक्योरिटी असिस्टेंट स्पेशली इन आईबी इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है? इसको मतलब जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी पेट्रोलिंग करना, सिक्योरिटी चेक करना, उनकी जो विजिटर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं ऑफिस के बाहर जो आते हैं, मतलब उनके सारों की आईडी चेक करना इनका काम होता है। वो सर्वेलेंस डिवाइसेस होते हैं, अलार्म्स, टू वे रेडियोज एंड सीसीटीवी कैमरा, इनको हैंडलिंग करना इनका काम होता है। और जो रिगार्डिंग सिक्योरिटी होती है, मतलब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो इशू होते हैं उनको रिपोर्ट करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना, ये भी इनके अंडर आता है। जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सहायता करना भी आईबी ऑफिसर्स का एक काम है, जैसे कि आईबी एसीआईओ ऑफिसर हो गए, उनकी सहायता करना रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड लॉ। ACIU आपने बताया इसकी फुल फॉर्म? इसे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ओके ओके। अच्छा हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। यस सर, आई एम खुशप्रीत कौर। माय नेम मैचेस माय पर्सनालिटी एज आई एम अ जोवियल एंड एन एमिएबल गर्ल। आई बिलोंग टू बठिंडा व्हिच इज वेरी फेमस फॉर लेक्स एंड इट इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। I have done my 10th and 12th standard with above 90% from Punjab board. Okay. I came second in handwriting competition in 5th standard and I came first in 8th class and 10th as well as 10th standard. Good. My hobbies are watching motivational movies, cooking, making friends and traveling. Because of this, my all friends call me a versatile personality because of my adjustable nature. And I am a very competitive girl and I love challenges. And I want to be a member of IB and work for my nation. I am a very team spirit girl and my strengths are that I am a self-confident and disciplined person. आपने NIA के बारे में सुना है? हाँ जी। बताइए। NIA का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। यह इन्वेस्टिगेटिव एक एजेंसी है जो कि हमारे जो टेररिज्म अटैक होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, हाईजैकिंग होती है, वो सारा इसका कंसर्न है। okay. और ईडी के बारे में? ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। यस, ये रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। हाँ जी। और फाइनेंस क्राइम्स रिलेटेड के ऊपर ये वर्क करता है। रॉ और आईबी में क्या डिफरेंस है?
आईबी है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो इंटरनल फेज में देखता है सारा, वो उसका कंसर्न रहता है. और जो रॉ है मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो बाहर मतलब हमारे इंडिया के बाहर हैं जो अफेयर्स सारे, उनके बारे में जो नॉलेज इकट्ठा करता है, बिट नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल अफेयर्स, वो सारा रॉ के अंदर आ जाता है. और सीबीआई का रोल? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, जो टेररिज्म होता है उसके सारा जो क्राइम होते हैं हमारे, फाइनेंशियल क्राइम ज़्यादातर, वो सारा इसके अंदर आ जाता है, सीबीआई उसको देखता है. सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? सीबीआई के डायरेक्टर मिस्टर परवीन सूद. हाँ जी. रॉ के डायरेक्टर कौन है? रॉ के डायरेक्टर रवि सिन्हा है. ओके. और आईबी के डायरेक्टर? आईबी के डायरेक्टर मिस्टर तपन कुमार डेका हैं, जो 24 जुलाई 2022 को बनाए गए थे. ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे. ओके ओके, वेरी गुड. अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए, हमें ना ये बताइए कि आप आईबी में क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, शुरू से ही मेरी आईबी में आने की बहुत दिलचस्पी रही है, और इसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क भी किया है कि मैं यह लेवल तक पहुंच सकूं. और मैं मतलब मैं ऐसा सोचती हूं कि अगर मैं इस फील्ड में आ जाती हूं तो मैं बहुत ही शिद्दत से अपना जो काम है वो निभाऊंगी. और आपको नहीं लगता ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत टफ जॉब है? सर, मैंने आपको पहले ही मेरे इंट्रो में बताया था कि आई लव चैलेंजेस, आई एम अ वेरी कॉम्पिटिटिव गर्ल. दैट्स वेरी गुड. ओके, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू? हमें कोई रीजन दीजिए कि हम आपको सेलेक्ट करें. सर, इफ यू सेलेक्ट मी, यू आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माई ड्रीम्स. आई एम अ वेरी डिटरमिंड एंड डेडिकेटेड पर्सन. आई ऑलवेज केम फर्स्ट अप टू माई 12th स्टैंडर्ड. एक्चुअली आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन विद ऑल माई सिंसियर एफर्ट्स. आई एम अ वेरी फ्रेंडली, वर्सेटाइल एंड टीम स्पिरिट गर्ल. I really need one chance to show my strength. Okay. आप पंजाबी फैमिली से? जी हाँ. सिख हैं आप? हाँ जी. चलिए फिर हमें 10 गुरु के नाम बताइए आपके. यस सर, फर्स्ट गुरु इज गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर कृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी एंड गुरु गोबिंद सिंह जी. वेरी गुड. आपकी कोई वीकनेस? यस सर, एक्चुअली आई वांट एवरी वर्क इन परफेक्ट मैनर. ओके. बिकॉज ऑफ दिस माय पर्सनल वर्क हैम्पर्स. आई गॉट स्कॉल्डिंग फ्रॉम माय मदर फॉर स्किपिंग माय लंच ड्यूरिंग एग्जाम्स. ओके, बट दिस इज नॉट अ बिग वीकनेस, सो यू कैन कॉप अप विद दैट. टेल अबाउट योर फैमिली. यस सर, वी आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली. माय ग्रैंडमदर इज द हेड ऑफ आवर फैमिली. My father is a landman in PSPCL board. My mother is an Anganwadi worker. My brother is a shopkeeper, and my sister-in-law is a constable in Punjab Police. That's very good. Tell us about your city, Bathinda. Yes, sir. Bathinda is situated in northern India and eastern Pakistan. Okay. It is a very cleanest city, and it is called Heart of Punjab, and it is known as a city of lakes. Okay. यहाँ पर बहुत सारी artificial lakes हैं, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर. ये वैसे artificial lake इसे traditional way में हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो इसके साथ जो एक thermal plant है, वो थर्मल प्लांट से जो पानी आता है वो उसको मतलब इकट्ठा कर लिया गया है, और बहुत मतलब बढ़िया सी लेक, ये लेक है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है. जैसे कि बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है बठिंडा में. किला मुबारक है, जैसे कि ये 1800 साल पुराना माना जाता है. इसमें लाल ईंटों का, छोटी छोटी लाल ईंटों का प्रयोग किया जाता है. ये मतलब इतना पुराना है, इसकी वजह से ही बठिंडा सबसे पुराना शहर माना जाता है पंजाब का. आईबी की हिस्ट्री के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ जी. आई बी वाइज फाउंडेड इन 1887 बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट. और इसका बाद में हमने मतलब आईपीआई इसको बना दिया गया था. मतलब जो आईपीआई इसको बना दिया गया था, और इसके बाद 1968 में बना दिया गया था. एंड इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, इसके बाद इसको फिर आईबी का नाम दिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का. आईपीआई आपने बताया, दैट वाज 1921, और आपने वो सही बताया कि 1947 में इसको नया नाम दे दिया गया. दैट वाज आईबी. ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो. हाँ जी. ओके ओके, चलिए. सीआरपीएफ की फुल फॉर्म बता सकते हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. वेरी गुड. और एनसीसी की? नेशनल कैडेट कॉर्प्स. ओके. और बीएसएफ की? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. आईटीबीपी की? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स. ओके, बॉर्डर पुलिस. एसएसबी की?
सीमा सशस्त्र बल. ओके, सशस्त्र सीमा बल. सशस्त्र सीमा बल. चलिए बहुत बढ़िया. अब आप हमें ये बताइए कि आप रिलैक्स टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, फ्री टाइम में. मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है. ओके. तो मैं या तो कुकिंग करती हूँ जब मैं मतलब रिलैक्स होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. मेरी हॉबी ही है कुकिंग करना एंड म्यूज़िक सुनना. आप बाहर गए हो कहीं, आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में कहीं घूमे हो? हाँ जी, मैं मतलब ये मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि मैंने दिल्ली के सारे इंडिया गेट, जैसे कि कुतुब मीनार, लाल किला, ये सभी जगह मैं गई हूँ. पटियाला का जो भूल भुलैया है वहाँ पर. तो अगर हम आपको जॉब के लिए बाहर भेजते तो आप चले जाएंगे? हाँ जी, मैं बहुत एडजस्टेबल नेचर है मेरा, मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ. दैट्स गुड. चलिए, आपने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, समय आ गया हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं. दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट टिप के लिए आपको प्रॉमिस किया था, वो टिप अब आपको दे रहे हैं. देखिए दोस्तों, क्या होता है जब आप आईबी के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. यानी कि आप ये मान लीजिए कि जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करे तो आपको बिल्कुल उनकी तरफ देखना है, और कोशिश ये करनी है कि कई लोग क्या होते हैं आंसर देते समय बहुत ऊपर देखते हैं, बहुत नीचे देखते हैं, उनसे नजरें नहीं मिलाते, ये मत करना. आपका आंसर कितना भी अच्छा हो, यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आप उनसे आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा. और जिन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा बोलने का मौका मिले उन क्वेश्चंस में आप सबकी तरफ देखना, सबको इन्वॉल्व करना, आपको डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ विशेस टू यू. थैंक यू.